अस्सलाम वालेकुम भाई। ये क्या है भाई? रैपर फैन का यार। भाई आपको पता है कि हमारे मुल्क को 70 साल हो गए आज़ाद हुए, ये अभी तक भी हम गुलाम हैं। आपको पता है ये चीज़ें, आपको पता है हमारी धरती को गंदी करती हैं। हम पूरी दुनिया में इस वक्त अच्छे तरीके से मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते गंदगी की वजह से। आपको पता है 70 साल हो गए हमारे मुल्क को आज़ाद हुए। आपको पता है ये क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? यार कायदे आज़म ने हमारे लिए ये ख्वाब नहीं देखा था यार। आप ये कचरा फेंक के कहाँ जा रहे हैं यार? हम अपने मुल्क को कहीं रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते कि हम साफ मुल्क हैं। आपको शर्म आनी चाहिए यार ये काम करते हुए। भाई ये हमारा मुल्क है, ये हमारा मुल्क है यार, ये हमारी धरती माँ है, इसकी सफाई करना हम पे फर्ज है। मैं उठा देता हूँ यार। भाई ये बाकी भी तो उठाए ना, बाकी भी तो आपके भाइयों ने गिराया ना यार। ठीक है यार, तुम तो सही कह रहे हो भाई। ऐसे तो टाइम लगेगा यार, ऐसे तो अच्छा खासा टाइम लगेगा। मैं आपको एक तरकीब देता हूँ, एक मिनट भाई, आप इससे करें ना, इससे जल्दी जल्दी हो। ये ले भाई, ये ले। भाई 14 अगस्त आने वाला है भाई, हमें चाहिए पूरे पाकिस्तान को साफ रखना चाहिए भाई। हमारा यही अजम रहा तो एक दिन पूरा पाकिस्तान साफ होगा भाई, इंशाल्लाह भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई ये तो काम हो गया सारा मेरा, मिल हूँ तो मेरा काम स्टार्ट हो गया यार। मल्ले जी सारी ओ भाई जी, हेलो हेलो भाई जी, जरा मल्ले जी सफाई में कर दी, चेक कर लो। पैसे तेरी मेहनत है ना। शाबाश शाबाश, कोई शिकार लभ इन कहते ने लो बजट इकोनॉमिस्ट। आ जाओ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ। तमाम अहले पाकिस्तान को अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 में मुसलमानों की काविशों और कायद आज़म की अनथक कोशिशों के बाद एक आज़ाद रियासत वजूद में आई, जिसको आज दुनिया पाकिस्तान के नाम से जानती है। और उस 14 अगस्त के दिन को जब पाकिस्तान वजूद में आया, उस दिन को हम आज़ादी के तौर पर मनाते हैं। लिहाजा आज मेरी और तमाम यूजी स्टूडेंट्स की तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। शुक्रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।